नमस्कार, मैं हूं सईद अंसारी। बेनकाब में आज हम करने जा रहे हैं एक सनसनीखेज हकीकत को बेनकाब। कैसे होती है बच्चों की सौदेबाजी। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में कैसे बच्चे किराए पर लिए और दिए जाते हैं। एक ऐसा माफिया होगा बेनकाब जो बच्चों की सौदेबाजी करता है सोने की तस्करी के लिए या भीख मंगवाने के लिए। ये माफिया बच्चे मुहैया कराने के लिए तैयार हैं, वो भी ऐसे बच्चे जो देश की नामी एनजीओ में पल बढ़ रहे हैं। स्टार न्यूज और अनिरुद्ध बहल ने ऐसे ही एनजीओ और दलालों को बेनकाब किया। बेनकाब की टीम ने बच्चों को किराए पर लिया। मकसद था केवल बच्चों के माफिया के सच को उजागर करना, इसलिए बच्चों को लेने के बाद हम उन्हें पुलिस के हवाले कर रहे हैं। बेनकाब की खोजी टीम ने किया है ये भंडाफोड़। तो पैसों के बदले किस तरह से बच्चों को लिया जा सकता है किराए पर और उनसे करवाई जा सकती है तस्करी। ऐसे ही कुछ बच्चों से, जो तीन बच्चे हैं जिन्हें हमने किराए पर लिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया, आइए उनकी बातचीत आपको सुनवाते हैं। राजधानी दिल्ली में आज भी ये संभव है कि आप यहाँ के एक नामी एनजीओ के बाल गृह से वहां के कर्मचारी को पैसे का प्रलोभन देकर वहां से मासूम बच्चों को बाहर किराए पर निकाल सकते हैं। इन मासूम बच्चों की स्टूडियो में मौजूदगी इस बात की गवाह है कि कितने असुरक्षित हैं इस तरह के बच्चे। आइए इन बच्चों से इस बारे में बात करते हैं। बेटा बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र है। और आपका? और आपका? आशिक। आशिक, अच्छा ये बताइए बेटा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, ईदगाह की तरफ। ईदगाह रोड नाम है उसका, ईदगाह ही नाम है उसका। हाँ। और मैं रहता हूँ, मैं नबी करीम रविदास गली प्रयास में रहता हूँ। प्रयास में रहते हैं आप? अच्छा अच्छा। और ये बताइए कि प्रयास में आप बताओ बेटे दानिश के, प्रयास में कौन कौन आपकी देख रेख करता है, कौन है जो आपको देखता है? हमारे है, हाँ? और एक अच्छा आप बताइए वीरेंद्र, आपको प्रयास से किसने बाहर भेजा? चंद्रशेखर भैया बोला गया आप जाओ, फिर आप वहाँ अंकल जी, आपको एक अंकल जी, दो अंकल जी मिलेंगे, आपको घुमा के आपको वहीं छोड़ देंगे और फिर आप आ जाना। फिर आप किसी को बोलोगे? आप किसी को जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, किसी को सबूत नहीं मिलना चाहिए, कहाँ गए थे। हाँ। कहाँ नहीं गए थे। अच्छा, कितने दिन के लिए उन्होंने भेजा था आपको बाहर? एक दिन के लिए बोला कि आप जाओ वहाँ पे, एक दिन आपको रुकना है, फिर आपको फिर मंडे को आपको यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। अच्छा, तो चंद्रशेखर कौन है, इनके बारे में बताइए? ये स्टाफ है यहाँ, मतलब नवे करेंगे। हाँ। ये बहुत अच्छे भैया जी हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ। जो क्या नाम है, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, खाना भी खिला देते हैं। आप बताइए कि आप जैसे वहाँ से बाहर आए हैं ना, उसी तरह और भी बच्चे क्या वहाँ से बाहर आए, आपके और दोस्त वहाँ से बच्चे और भी बाहर जाते हैं इसी तरह? कुछ बच्चे जाते हैं। हाँ। घूमने सब बहुत घूमने जाते हैं, कभी कभी सारे चले जाते हैं। हाँ। अच्छा, चले जाते हैं मतलब बाहर है, आप जैसे आए हो। और कितने दिन के लिए, रात में भी चले जाते होंगे कई कई दिन? रात में ऐसे जाते हैं। हाँ? तो दो तीन रुके तो आते हैं। हाँ? जब जाते हैं तो दो तीन रुके आ जाते हैं, कहीं जाते हैं तो दो दिन रुके आते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, अब जैसे आज आप वहाँ से निकल आए बाहर, ठीक है, अब आप रात में जैसे वहाँ नहीं जाओगे वापस, तो वहाँ पर, वहाँ पे चौकीदार तो होता होगा? नहीं नहीं, वहाँ पे भैया जी होते हैं। भैया जी होते? कौन भैया जी? विपिन भैया जी। विपिन भैया जी, तो आप जब जाएंगे वहाँ पे तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आप?